हाय गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कुकिंग विद मॉम। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बीफ करी, जिसे हम गोश्त की करी भी कहते हैं। सो लेट्स गेट ऑन विद द रेसिपी। इस रेसिपी के लिए हम 1 किलो हड्डी वाले गोश्त में 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करेंगे। दो टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। गरम मसाले में इंक्लूड है दालचीनी, 4 से 5 लौंग, हाफ टीस्पून काली मिर्ची, 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा ज़ीरा। गरम मसाले के साथ ही हम पत्थर का फूल ऐड करेंगे, ये इस रेसिपी का की इंग्रेडिएंट है। भुना हुआ और पिसा हुआ धनिया और ज़ीरा ऐड कर लें, हाफ टीस्पून। नमक अराउंड 1 टीस्पून। हल्दी का हाफ टीस्पून और मिर्ची 1 टीस्पून। अब नेक्स्टली इसके अंदर 4 मीडियम साइज के टमाटर ऐड कर लें। टमाटर ऐड करने के बाद 2 से 3 टीस्पून करी पत्ता और अराउंड 2 टेबलस्पून हरा धनिया ऐड कर लें। अब हम इसके अंदर 1 से 2 कप पानी डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। As you guys can see, ingredients सारे गल चुके हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब बारी है इसमें खट्टा ऐड करने की, तो आप अपने हिसाब से पानी में इमली को मैश कर लें और फिर वो पानी करी में ऐड कर दें। अब हम खट्टे को पकाने के लिए इसमें 2 से ढाई ग्लास पानी ऐड कर देंगे। एंड मेक श्योर कि आप खट्टे को अच्छी तरह से पका लें। अब हम 1 कप पानी में 5 टेबलस्पून राइस फ्लावर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से विस्क करके करी में ऐड करेंगे, करी को गाढ़ा करने के लिए। अब कड़ी को तब तक पका लें जब तक वो गाढ़ी नहीं हो जाती। अब कड़ी के फ्लेवर को फर्दर इन्हांस करने के लिए हम थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चियाँ और हाफ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सोचने की फली को 5 मिनट तक बॉईल करके करी में ऐड कर लेंगे। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, बट इससे करी का टेस्ट और टेस्टी हो जाता है, सो हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट हम करी के बघार के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेंगे। बघार के लिए हम 8 साबित मिर्चियाँ, 2 करी पत्ते की स्टिक्स, हाफ टीस्पून ज़ीरा, 2 से 4 कटे हुए लहसुन इस्तेमाल करेंगे। इसे अच्छी तरह से तब तक फ्राई करेंगे जब तक मिर्चियों का कलर थोड़ा डार्क नहीं हो जाता। As you guys can see, ये फ्राई हो चुके हैं, मिर्चियों का कलर भी डार्क हो गया है। अब हम इस बघार को करी में ऐड कर देंगे एंड दैट्स अबाउट इट। curry is ready. I highly recommend you guys to try this one. It's pretty much an authentic Hyderabadi recipe. And I hope you guys enjoyed today's video. Happy munching!